चाय शाय पी लिया। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। हमने सैरी कर ली थी और उसके बाद नमाज़ भी पढ़ ली, और आज मैं नहीं सोई क्योंकि मुझे टेंशन हो रही थी कि बच्चों का स्कूल ना रह जाए। बच्चे रेडी हो गए हैं, डोरा भी रेडी हो गई। डोरा लुक एट हियर, डोरा भी रेडी हो गई और प्रिंसेस भी रेडी हो गई। बस अब बाबा को उठाएंगे और ये स्कूल चलेंगी क्योंकि 7 o'clock हो गए हैं। अब इंशाल्लाह इनको भेज कर हम सोएंगे और फिर उठ कर इनको लेने जाएंगे इंशाल्लाह। ये जी नया दिमल स्कूल से आ गई है और आते सार इनको जो है ना कलर्स करने की पड़ गई है। मैंने इनको ऑयल लगाया है, अब मैं जो है इनको ये सुलाऊंगी, फिर उठेंगी तो फिर मैं इनको जो है ना शावर दिलाऊंगी। चलो नया दिमल उठो। तो ऐसा है कि इफ्तारी का वक्त हो चुका हुआ है। मैंने पहले प्लेन फ्राइज बना के नया दिमल को ऊपर भेज दिया। मैंने थोड़ी बेसन लगा कर फ्राइज बनाई है, फ्राइज के ऊपर ना बेसन लगा कर मैंने इनको रखा है। और ये शामी बन रहे हैं बर्गर बनाने हैं। और यहाँ पे एक मैं न्यू रेसिपी ट्राई कर रही हूँ। मैंने इसमें आलू बॉइल करके डाले हैं, छोटा छोटा सा ये प्याज डाला है और नमक, रेड चिली फ्लेक्स, गरम मसाला, दो तीन चीज़ें डालूँगी। फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या बनाया है। ये मेरी पकौड़ा फ्राइज बन गई हैं, ये मैंने शाम में भी बना लिया, एग भी बना लिया। अब मैं बर्गर बनाऊँगी, फिर मैं आपको जो है ना वो बोले जो मैंने ब्रेड के सैंडविचेस कह लें, जो भी मर्जी कह लें, बनाए वो मैं आपको बताती हूँ। इतनी गर्मी है आज, कुछ नहीं दिल जा रहा, इतनी प्यास लगी मुझे तो आज, बहुत रोज़ा लगा। ये जो मैंने आपको आलू वाली पेस्ट दिखाई थी, ये मैंने ऐसे स्लाइसेस काट के इसके अंदर डाल दी। ये आपने ऐसे ही डालनी है, ठीक है? और ये मैंने सारे बना के रखी हैं। अब मैं इसमें से ये इसको लगाऊंगी प्रॉपर एग अच्छी तरह से, ठीक है, ऐसे। और इसको हम करेंगे रेड रंग के साथ टोटल कोटिंग, ठीक है। ये बांधोस ये बड़े मज़े के क्रिस्पी से जो है ना पोटैटो ब्रेड सैंडविच बनते हैं। बस वही चीज़ें होती हैं, उनको हम डिफरेंट वे से जो है ना यूज़ करके जो है ना खा लेते हैं। बस सोच क्या, रमज़ान के 30 days यही सोचते रहते हैं, अच्छा आलू और चिकन की टोटल रेसिपीज़ हैं, उनको कभी किसी में कन्वर्ट कर देना है, कभी किसी में कन्वर्ट कर देना। लेकिन ये बहुत खूबसूरत लगते हैं किसी के आगे रखने के लिए, बहुत प्यारे लगते हैं। ये देखें किस कदर खूबसूरत इसकी लुक आती है, ये देखें आप कितना प्यारा। एक तो बंद हो गया, रखने में किसी के आगे बहुत ही प्यारा लगता है। ये बहुत अच्छी इसकी जो है ना वो मज़े की लुक आ रही है। अभी मैं इसको डिश आउट करूँगी आपको दिखाती हूँ। इफ्तारी कर ली है, नमाज भी पढ़ ली है, अब मैं चाय पीने लगी थी, लेकिन मैं आपको दिखा नहीं सकी फाइनल लुक उसकी। बहुत मज़े के बने थे वो पोटैटो जो मैंने सैंडविचेस बनाए, ब्रेड सैंडविचेस, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही यम्मी बने थे। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चाय शाय पी लिया तो मैं अब इनको जो है ना ज़रा नहलाने लगी थी, और इनके बाबा जो हैं वो बर्थडे गर्ल का गिफ्ट लेने गए हुए, लेकिन हम इसको वो नहीं दिखाएंगे, इसके लिए है सरप्राइजेस, और आपके साथ भी शेयर करेंगे हम सरप्राइज। अभी ये बहुत एक्साइटेड हो रही है। तो मैं बच्चों को ना खाना खिलाने लगी थी, अब खाना खिलाएंगे तो, और फिर अनाया जिमल जो है ना सोएंगे। मुझे नहीं पता मेरे माँ को मुझे क्या गिफ्ट चाहिए बर्थडे पे। आई एम सो एक्साइटेड। अनाया की एक्साइटमेंट जो अरूज पे पहुंची हुई है। अनाया को कुछ नहीं पता कि हम क्या करना चाह रहे हैं, कुछ नहीं पता कि मेरे घर में क्या होगा, मेरे मामा बाबा मुझे क्या गिफ्ट देंगे। और अनाया का बस नहीं चला कि आपको मेरा बर्थडे देखना है तो प्लीज सुबह जल्दी आइएगा ना, और तब भी आप मेरी वीडियो को प्लीज इस वीडियो को 2 लाइक। ऐसा है कि अनाया सो चुकी है और 12 तो बज चुके हैं, लेकिन वो सो चुकी है, उसको सुबह ये सरप्राइज़ मिलेगा। और अनाया का गिफ्ट भी आ चुका है, ये आपके लिए भी सरप्राइज़ है और अनाया के लिए भी सरप्राइज़ है, जो कि मैं कल बताऊंगी आपको अपने व्लॉग में कि हमने अनाया को क्या गिफ्ट किया। तो ऐसा है कि अनाया के लिए कल हमने पहला सरप्राइज़ ये रखा है कि इंशाल्लाह ताला जब वो स्कूल जाएंगी तो ये केक जो है ये उसकी टीचर्स और उसकी जो फ्रेंड्स हैं वो स्कूल में कट करेंगी। इस बात के बारे में अनाया को नहीं पता, मैंने उसकी टीचर से बात कर ली थी, तो ये केक हम पहुंचा देंगे स्कूल में और फिर उसकी टीचर जो है ना सब बच्चों के साथ मिलकर उसको विश करेगी और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाएगी। उसके लिए एक सरप्राइज़ ये मैंने प्लान किया था और एक सरप्राइज़ उसके लिए और है कि जब वो घर आएगी तो वो क्या देखेगी, ये भी आप लोगों के लिए भी सरप्राइज़ है। कल इंशाल्लाह ताला आपको ये सब कुछ दिखाऊंगी, लेकिन उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आप जान सकें कि हमने अनाया की बर्थडे कैसे सेलिब्रेट की।
और आज ताक रात है, तो दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा और अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए और हम सब की जो है नेक तमन्नाओं को पूरा करे। इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ और कल इंशाल्लाह ताला एक न्यू व्लॉग के साथ, ढेर सारे सरप्राइजेज़ के साथ और अनाया की बर्थडे सेलिब्रेशंस के साथ मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कीजिए। अल्लाह हाफिज़।